आखिर बोलेरो पिकअप कौन सी ली जाए, बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस या बोलेरो पिकअप 1.3 या बोलेरो पिकअप 1.7। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर तीनों में अंतर क्या है, किस में हम ज़्यादा से ज़्यादा माल लोड कर सकते हैं और किस में हमें ज़्यादा माइलेज मिलता है, और भी क्या अंतर है इन तीनों में और कौन सी ज़्यादा सेल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन गाड़ियों के इंजन के बारे में। तो इंजन तीनों गाड़ियों में सेम मिलता है, M2DI CR4 सिलेंडर BS6 इंजन 2523 cc। अब पावर और टॉर्क के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर अंतर मिलता है आपको। जबकि बोलेरो पिकअप मैक्सी ट्रक प्लस में आपको 65 BHP का इंजन मिलता है और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 195 Nm का, जबकि 1.3 और 1.7 में आपको टॉर्क और पावर सेम मिलती है, 75 BHP की पावर मिलती है और 200 Nm का टॉर्क मिलता है। यहाँ पर 1.3 और 1.7 में ना ही इंजन में कुछ भी फ़र्क मिलता है, ना ही पावर और टॉर्क में, यानी कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको इसकी बॉडी में फ़र्क मिलता है। 1.7 की आगे की बॉडी हटा के थोड़ी आपको पीछे बड़ी मिल जाती है, बाकी इंजन में कुछ भी फ़र्क नहीं है। 1.3 और 1.7 में फ़र्क मिलता है हमें बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस में, इसके इंजन में, इसकी पावर और टॉर्क में। अब अगली बात कर लेते हैं इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो वो मिलती है हमको 60 लीटर की मिलती है 1.7 में, और 57 लीटर की मिलती है हमें 1.3 में, और बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस में मिल जाती है हमें 45 लीटर की। तो चलिए तीनों गाड़ियों की बॉडी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, आखिर तीनों में कितना फ़र्क मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस में। तो इसकी जो हमें डाले की लंबाई मिलती है वो मिलती है हमें 8.2 फीट की, जो चौड़ाई मिल जाती है डाले की वो मिलती है हमें 5.3 फीट की, जिसकी जो हाइट मिलती है यानी ऊंचाई मिलती है वो मिलती है हमें 1.5 फीट के करीब। अब बात करते हैं 1.3 यानी बोलेरो पिकअप 1.3 की। तो जो हमें लंबाई मिलती है डाले की वो मिलती है 8.3 फीट की, जो चौड़ाई मिलती है हमें 5.5 फीट की, और जो ऊंचाई मिल जाती है हमें 2 फीट के करीब यानी 2.1 फीट ऊँचाई मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं बोलेरो पिकअप 1.7 के बारे में। तो इसकी जो हमें डाले की लंबाई मिल जाती है वो मिल जाती है 9 फीट की यानी 9 फीट की, यानी इसमें सबसे बड़ा डाला मिलता है यानी लंबाई में, जो कि योद्धा से भी बड़ा मिलता है। इसमें योद्धा में आपको बड़ी पिकअप में 1700 में 8.7 फीट का मिलता है, तो इसमें 9 फीट का मिल जाता है। अब बात कर लेते इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई मिल जाती है आपको 5.5 फीट की, यानी चौड़ाई आपको 1.3 और 1.7 में सेम मिलती है, और इसकी जो ऊंचाई भी आपको सेम मिल जाती है 2 फीट के करीब। तो इन तीनों गाड़ियों में इतनी इसमें तीनों में फ़र्क है। तो बात कर लेते हैं इनकी जो पासिंग कैपेसिटी यानी लोड पासिंग कैपेसिटी कितनी है, जो RTO द्वारा जो इनकी जो पासिंग कैपेसिटी है, अगर बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस की बात करते हैं तो इसमें है 1250 kg यानी 1250 kg, और जबकि 1.3 में पासिंग है 1300 kg, और जबकि 1.7 में पासिंग है 1700 kg। अब बात कर लेते हैं इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड कर सकते हैं, तो वहीं बात करते हैं बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस में। तो बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस में आप 2.5 टन से 3 टन तक आप इसमें आराम से लोड कर सकते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं बोलेरो 1.3 में, तो इसमें आप 3 टन से 4 टन तक लोड कर सकते हैं, लेकिन आपके चलाने के भी ऊपर रहता है कि आप लोड करके किस तरीके से चला सकते हैं। तो अगर जो अच्छा ड्राइवर होगा वही चला सकता है ज़्यादा से ज़्यादा माल लोड करके। बात कर लेते हैं 1.7 में, तो 1.7 में 4 टन से 5 टन तक लोड कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें करते ही हैं, अपने हिसाब से जिनको करना है वो कर लेते हैं, नहीं तो कम भी करते हैं लोग, लेकिन मैंने बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक इसमें लोड कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं तीनों गाड़ियों के माइलेज के बारे में। तो बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस में जो माइलेज मिलता है हमें वो मिलता है, अगर जैसे सिटी की बात करते हैं तो सिटी में 13 से 14 KMPL का माइलेज मिलता है। वहीं अगर हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे पर 15 से 17 के बीच में माइलेज मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं 1.3 में, तो 1.3 में सिटी में माइलेज मिलता है 10 से 11 का। वहीं अगर हाईवे की बात करते हैं तो 12 से 13 और 14 के बीच में मिल जाता है। वहीं अगर 1.7 में बात करते हैं तो 10 से 11 का आपको लोकल में मिल जाएगा, और वहीं अगर हाईवे की बात करते हैं तो आपको 12 से 13 के समथिंग 14 के समथिंग मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे इंजन सेम है, पावर सेम है, सिर्फ अगर उसमें आप ज़्यादा माल लोड मतलब करोगे उसमें 1.7 में, तो उस हिसाब से थोड़ा माइलेज कम मिल जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों में सेम माइलेज मिलता है, दोनों में इंजन सेम मिलता है, पावर सेम, सब कुछ मिलती है दोनों में, तो इसलिए माइलेज में कुछ भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ अगर आप ज़्यादा माल लोड करेंगे उसमें तो उस हिसाब से आपको थोड़ा कम मिलता है।
बाकी इन तीनों गाड़ियों में इतना आपको माइलेज मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं तीनों गाड़ियों में से कौन सी ली जाए, यानी कौन सी बेस्ट रहेगी। अगर आप अपने पर्सनल के लिए लेना चाहते हैं तो आप दो पिकअप में से कोई सी ले सकते हैं, या तो आप 1.7 ले सकते हैं या बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस ले सकते हैं अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चलानी है। अगर आपको ज़्यादा माल लोड करना है अगर आपको पर्सनल काम में, तो आप 1.7 ले सकते हैं, नहीं अगर आपको कम लोड करना है तो आप बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता है उसमें। अगर आपका काम हल्का है, जैसे आप मंडी वगैरह का काम करते हैं और कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं जिसमें आप तीन टन तक आप लोड कर सकते हैं, तो आप बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा लोड करना है तो आप 1.7 ले सकते हैं, अगर आपको भाड़े पर चलानी है तो आप बोलेरो 1.3 ले सकते हैं, आप अपने पर्सनल काम में चला सकते हैं इसको और भाड़े पर चला सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1.7 ले लेते हैं तो अगर कहीं पर भी आप गाड़ी ले जाते हैं तो कोई आपको ज़्यादा पैसा नहीं देगा, आपकी गाड़ी में ज़्यादा माल भी लोड कर देगा और आपको उतना पैसा भी नहीं देगा, तो क्या फ़ायदा है आपको ज़्यादा माल लोड करके। इसलिए आपको 1.3 लेनी चाहिए। अगर आप बिजनेस यानी कि भाड़े के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो आप 1.3 ले सकते हैं, अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो आप दोनों ही पिकअप में से ले सकते हैं 1.7 या बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, अपने काम के हिसाब से जितना आपका वजन है उस हिसाब से ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पिकअप सेल होती है वो होती है बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, सबसे ज़्यादा सेल होती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं परसेंट, मैंने एक पोल डाला था, सबसे ज़्यादा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस लोगों ने ली रखी है और काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिल जाता है अगर आपका 3 टन तक का काम है, यानी कि बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका भी हम आंसर ज़रूर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे नॉलेज वाले वीडियो मिलेंगे और कई सारे डले हुए हैं तो उनको भी देख सकते हैं। अगर आप बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस या 1.3 या 1.7 का भी आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर जा सकते हैं, उस पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।